बच्चों आज हम लोग एक वैद्युत ध्रुव के कारण उसके अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो आइए हम इसका व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं वो सीखते हैं। वैद्युत ध्रुव के कारण उसके अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। यहाँ हम एक जो है डाइपोल लेते हैं जिसका एक टर्मिनल ए है और दूसरा टर्मिनल बी है, जिस पर बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश क्यूब है। इसके जो बीच की अल्प डिस्टेंस है वो 2L है और इसका मिड पॉइंट O है। तो AO की डिस्टेंस जो है L हो जाएगी और OB की भी L हो जाएगी। इसके एक्सियल पॉइंट पर O से R डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब माइनस Q के कारण जो है, ये माइनस Q के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। अब यहाँ से ये हमको लिखना पड़ेगा कि माना एक वैद्युत ध्रुव है जिस पर बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। इनके बीच की दूरी अल्प है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर डिस्टेंस पर कोई इसके एक्सियल पॉइंट पर अच्छी स्थिति पर बिंदु पी है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी जो है क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा और प्लस Q से बिंदु P की दूरी R माइनस L हो जाएगी। अब माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, जहाँ के परावैद्युतांक का माध्यम है, और यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू और बटे में क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसी तरह प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपका हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के और क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर बाई फिगर ए हो गया। अब ये क्या हो गया, ई टू, और ये हो गया E1। यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2 because E1 is greater than E2। अब इसका जो वैल्यू हमने फाइंड किया है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के और क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर।
अब सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, क्यू बाई फोर पाई एप्साइलन ज़ीरो के। यहाँ पर हमें बचेगा वन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। नीचे का एरिया दिख रहा है ना, उसके बाद क्यू बाई फोर पाई एप्साइलन ज़ीरो के, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इस डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर मिलेगा। अब इसका कैलकुलेशन मैं इस फिगर को मिटा के कर दे रहा हूँ। अब जैसे हमारा E इक्वल टू क्यू फोर पाई एप्साइलन ज़ीरो के, और इसको हम तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एल आर, और इसको तोड़ेंगे साथ में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर प्लस टू एल आर डिवाइडेड बाय, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ सारे कट जाएंगे, फोर पाई एप्साइलन ज़ीरो के टर्म्स बचेंगे, ये एल स्क्वायर माइनस से कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो गया फोर एल आर, और यहाँ बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर लिखेंगे वी नो दैट एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, देन एल स्क्वायर विल बी निगलेक्ट। तो जब निगलेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू बाई फोर पाई एप्साइलन ज़ीरो के, और इसको हम फोर को टू इंटू टू एल आर, और यहाँ पर हमको एल स्क्वायर छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर बचेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे फोर, इससे कट के यहाँ आर क्यूब हो जाएगा। तो वन बाई फोर पाई एप्साइलन ज़ीरो के, और यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू टू क्यू और एल बाई आर क्यूब, या वन बाई फोर पाई एप्साइलन ज़ीरो के, और टू की वेल किसका है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो टू पी, बिकॉज पी इक्वल टू क्या होता है, टू की वेल होता है, इस सूत्र का यूज़ किए यहाँ, तो टू पी बाई आर क्यू। यह जो व्यंजक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर कोई बिंदु स्थित है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है,